एक बारी तो बहुत ज्यादा डर गए थे, आप मानोगे नहीं, ऐसे प्लेन जा रही, प्लेन ऐसे कांप गई। चंडीगढ़ से दिल्ली आते हुए ऐसा नहीं हुआ, बट वहाँ ऐसे प्लेन कांप गई। और जब लैंडिंग हुई, जब चंडीगढ़ से दिल्ली में लैंडिंग हुई तो स्मूथ हुई, बट जब दिल्ली से सूरत में लैंडिंग हुई भाई, वो तो पूरा ऐसे आगे हो गया। हवा में ऐसे गड़गड़ हिल गई पूरी प्लेन। अंकल प्लीज रोक लो प्लेन, अंकल अंकल मेरे पैर बच गए। हेलो गाइस, बिना मुंह दिखाए आपको बोलता हूँ आज वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैं अभी उठा हूँ तो मुंह दिखा देके अभी काबिल नहीं हूँ। तो यहाँ पे राधिका कर रही है पैकिंग, मैं जा रहा हूँ आज सूरत गुजरात कोई काम के लिए। वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा कि मैं क्यों गया हूँ। और फर्स्ट टाइम फ्लाइट में जा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ। अभी राधिका पैकिंग कर रही है, उसके बाद मैं निकलूँगा 10-11 बजे। बोलना चाहोगे? बोलना बस, चलो चलो जी, अपना सामान आ चुके हैं पैक, तो हम लोग निकल चुके हैं, रवाना हो चुके हैं। बाय मम्मा। तो मम्मा बात ही ऑफ करने नहीं आए क्योंकि मम्मा रोने लग जाते हैं इसलिए। मिलेंगे, बाय कर दो। बाय पापा। बाय पापा। चलो आपको बता दूं, मैं केरला जा रहा हूँ, मेरी बीवी तक मेरे को छोड़ने नहीं जा रही मेरे साथ। कोई बात नहीं। और ये झूठ है, मैंने इनको बोला मेरे को साथ ले चलो, पर ये नहीं लेके गए। एक्चुअली तेजस के करके तेजस ठीक भी नहीं रहता, इसलिए हम गए नहीं। तो कोरोना वगैरह टेस्ट होना है सारा कुछ, तो इसलिए मैं मतलब मुझे लेके ही नहीं गए, मेरा मन तो बहुत था। आप मेरे को मिस करोगे? डिपेंड करता है, अगर उधर कोई नहीं मिला तो मिस करोगे। ये भाई छोड़ ही नहीं रहा, मेरे को पता लग गया 4 डेज बाद आऊंगा मैं। बाय बाय, मेरे को भी टीसी दे दो। अब 4 डेज कोई किसी नहीं मिलेगी मेरे को। ध्यान रखना, बाहर का बिल्कुल मत खाना। ओके। और कोशिश करो जल्दी जल्दी आ जाओ। ओके गाइस, हम लोग आ चुके हैं पेट्रोल पंप में, बिकॉज पोल्यूशन बनवाना था। पोल्यूशन बनवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज सबसे बड़ा चलान भाई उसी का ही है, और वैसे भी ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, कोविड का टेस्ट हमने कल करवाया था, अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एयरपोर्ट में, अभी तक वो नहीं आई, उस चीज़ की बड़ी टेंशन है। 2 बजे से पहले आ जाए बस, और कोई टेंशन नहीं। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट रोड में, और एयरपोर्ट रोड मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जैसे देख सकते हैं आप, साइड में ग्रीनरी है और काफ़ी खुली खुली सी रोड है। फर्स्ट टाइम ये वाले रोड में मैं जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट की साइड जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मेरे उसमें जा रहे हैं, बोलना प्लेन, फर्स्ट टाइम प्लेन में जा रहे हैं, तो मतलब काफ़ी एक्साइटमेंट है। बाकी अभी तक कोविड रिपोर्ट आ चुकी है, वो जो एक मैसेज आता ना पंजाबी में वो आ चुका है, बट वो जो फॉर्म क्या बोल रहे थे, वो पोर्टल में चढ़ता है कोई नाम, वो वाला नाम अभी तक नहीं चढ़ा, जो PDF फाइल निकल के उनको हमने दिखानी है। तो वो बोल रहे थे 1 घंटा लगेगा, अभी तक उनको उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, बट वो आया नहीं। तो प्रे कर रहा हूँ फटाफट आ जाए। बाकी एयरपोर्ट में घुसते हैं, दिखाते हैं आपको। चलो एयरपोर्ट रोड का सिनेमैटिक चेक करो यार, बहुत सही रोड है यार, चेक करो यहाँ पहले। अभी एक प्लेन हमारे छत के ऊपर से गुजरी है, खतरनाक सीन भाई, निकली है गुजरी है जो भी हो। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा है यहाँ का व्यू, मैं तो रोड का नंबर व्यू, एक नंबर कहते ना, फर्स्ट टाइम आए, इतनी खुशी हो रही है ना, रोड का ही फैन हो गया मैं तो। ये देखो गाइस, ये देखो, तो गाड़ी खड़ेगी 5 दिन के लिए पार्किंग में, तो बाय बाय माई धन्नो। और यहाँ पे बैग आ चुका बाहर, और एयरपोर्ट पहुंच गया, अभी तक यार वो नहीं हुआ, क्या कहते हैं उसको, कोविड रिपोर्ट नहीं आई यार अभी तक, टेंशन हो रही है गाइस। यहाँ पे एयरपोर्ट, ये देखो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है यार, ऐसा लग रहा है 5-स्टार होटल है ना, 5-स्टार होटल जैसा लग रहा है। और यहाँ पे अपना देश का झंडा, जय हिंद। बस टिकट मिल चुकी है, अब हमने जाना Terminal 2 में। जितना डिफिकल्ट सोचा था उतना है नहीं, बट अब मेन जो कोविड रिपोर्ट कहाँ टेस्ट होगा वो हमें पता नहीं है, अंदर जाके पता लगेगा कि आप तो एंट्री ना करने थे, इसलिए मैं एंट्री कर नहीं रहे, जब रिपोर्ट आएगी फिर हम लोग करेंगे एंट्री।
तो अभी कुछ खा लेते हैं क्योंकि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, तो पहले कुछ खा लें। तो गाइस सामने खड़ी है हमारी फ्लाइट, जो कि फर्स्ट टाइम हम अपने मतलब नज़रों से फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। मज़ा आ रहा है देख के, है ना? नहीं धक धक हो रहा, बहुत नेड़े से फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अदरवाइज तो टाटा करते थे। हाँ दूर से तो छोटा सा चीज़ है जितना देख रहे थे, बट फर्स्ट से फर्स्ट टाइम। और उसका अपना चिकन, क्या चिकन सैंडविच बर्गर क्या है, चिकन रोल लेस फ्राइड। तो आपको दिखाता हूँ महंगी चीज़ होगा सिनेमैटिक। गाइस बस में बैठ चुके हैं, अब हम लोग अपने प्लेन की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद हम बैठेंगे। लोग आ रहे हैं, बड़ी हो रही है। फाइनली बैठ चुके हैं यहाँ पे प्लेन में, एंड उसके बाद एक घंटे में दिल्ली, दिल्ली के बाद पहुँचेंगे सूरत। सीट बेल्ट बोलने से पहले लगाना चाहिए, इन लोगों को बोलने से पहले। ये बाहर का नज़ारा मेरे को मिला है, अपना बिल्कुल पंख के सामने वाली सीट। दिल्ली में लैंड हो चुके हैं और पता भी नहीं लगा कि कब पहुँच गए, बड़ी जल्दी पहुँच गया है। और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है। अब हमारा जो नेक्स्ट फ्लाइट है वो है मे बी 4:30 या 6, या उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे सूरत मे बी 9:00। कन्फ्यूज़न है भाई, टर्मिनल 1, 2, 3 दिल्ली, क्योंकि दिल्ली की बहुत बड़ा है एयरपोर्ट, बहुत ज़्यादा बड़ा। अब उन्होंने बोला एग्जिट देन सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर बोला, सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। भाई सूरत तो सॉरी दिल्ली टू सूरत की फ्लाइट में बैठ चुके हैं, उसके बाद जाएंगे हम सूरत सीधा, 3 घंटे में सूरत। अरे स्वेयर गाइस, एक सपना था जो कि पूरा हो चुका है, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ मैं, आपको मैं बता भी नहीं सकता कितना। सो गाइस आपको दिखाता हूँ मैं पूरा सूरत, इसमें आप देख सकते हो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल सूरत। अब नीचे उतरने के बाद देखेंगे कि कितनी बड़ी है सूरत। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं सूरत, और मेरा बैग मुझे पता नहीं कहाँ से लेना है, कैसे लेना है कुछ नहीं पता, जाके पता लगेगा। सो गाइस अभी पता लग गया कि कहाँ से मिलेगा हमको बैग, तो दीपक अभी जा रहा है अपना बैग लेने, तो देखते हैं इसका बैग कहाँ है, आया कि नहीं आया, बैग अभी आया कि नहीं। एक घंटे बाद आ गया। सो गाइस फाइनली होटल मिल चुका है, बिल्कुल मेन मार्केट के सामने है, और यहाँ पे हम लोग अंदर, ओ तेरी बंद हो गया मैं तो खुल। तो यहाँ पे रूम है जैसे कि आप देख सकते हैं, अंदर गए, यहाँ पे डाइनिंग टेबल है और यहाँ पे एक छोटा सा रूम, काफी छोटा है। क्या हमने करना है, क्या यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे हम अगर जाएंगे तो यहाँ पे है 9 to 5 किट, यहाँ पे कॉम, यहाँ पे है पेंसिल, पेन, ब्रश, मेन्यू वगैरह ये वगैरह, और ये लॉन्ड्री का रेट वगैरह लिखा है, और बाकी ये है वॉशरूम। ठीक है गाइस, मतलब आपको एक चीज़ बताता हूँ, वेट गाइस, ये होटल इतना अच्छा तो नहीं है देखने में, मतलब लुक वाइज इतना अच्छा नहीं है, बट फैसिलिटीज सारी है, लॉन्ड्री वगैरह भी है यहाँ पे। ठीक है, जब 3-स्टार होटल में, हर 3-स्टार होटल में होता है, बट रूम इतना अच्छा नहीं है। हमने ये वाला रूम क्यों लिया, बिकॉज अभी हम आए यहाँ पे, सिर्फ हमने सोना ही है, और साथ वाला होटल जो है वो बहुत ही ज़्यादा मस्त है, वो वाला होटल आपको मैं कल दिखाऊंगा। सो गाइस खाना आ चुका है, यहाँ पे रसगुल्ले, यहाँ पे शाही पनीर, यहाँ पे चपाती, रायता, सैलेड, सब कुछ। ओके सो गाइस ये हो चुके हैं, अब नेक्स्ट मॉर्निंग
तो अभी भी हम यहीं पे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया कल। और फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। बीच में जब हम दिल्ली से सूरत आए तो एक बार ही तो बहुत ज़्यादा डर गए थे, आप मानोगे नहीं। ऐसे प्लेन जा रही, प्लेन ऐसे कांप गई। चंडीगढ़ से दिल्ली आते हुए ऐसा नहीं हुआ, बट वहाँ ऐसे प्लेन कांप गई। और जब लैंडिंग हुई, जब चंडीगढ़ से दिल्ली में लैंडिंग हुई तो स्मूथ हुई, बट जब दिल्ली से सूरत में लैंडिंग हुई भाई, वो तो पूरा ऐसे आगे हो गया। हवा में ऐसे गड़गड़ हिल गई पूरी प्लेन। मैं ऐसे ऐसे देखूं, जितने सो रहे थे सारे उठ गए भाई, सारे एक दूसरे की शक्लें देखने लग गए। मैं तो बहुत, तू डर गया था ना भाई, सारे डर के थे। लगा भाई अब क्या हो गया, मतलब काफी डर भी लगता रहता हवा में, ऐसा लगता है कब लैंडिंग हो, बट लेकिन मजा भी बहुत आता है। बाकी हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी भी हम यहीं पे हैं सूरत में। और जो जो सूरत से प्लीज़ कमेंट में बताओ कि यहाँ पे घूमने वाली जगह कहाँ कहाँ पे है, और मैं क्या करने आया हूँ वो भी आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा गाइस। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, लव यू ऑल, बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।